हेलो दोस्तों, मेरे चैनल इनके जिक्रिएशंस पर आपका स्वागत है। बहुत छोटे छोटे मगर कमाल के नुस्खे जो आपके बहुत ही काम आएंगे। नंबर एक, दिल के दर्द से छुटकारा पाने के लिए 3 छोटी इलायची को रोजाना खाएं, इससे आपको फायदा होगा। नंबर दो, जब भी आंखों में सुरमा लगाएं, उससे पहले आंखों को तेजी से झपकाएं, आपकी नजर तेज हो जाएगी। नंबर 3, लहसुन के 6 से 7 कलियां बिना छीले भून लें और फिर भुने हुए लहसुनों को छीलकर उसमें अच्छी तरह से स्वाद के लिए नमक मिलाकर रोजाना सेवन करें। इससे आपके शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाएगा और आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, जोड़ों के दर्द से छुटकारा मिलेगा और भी आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। नंबर 4, अगर गले में खराश हो रही हो तो चॉकलेट खाने से खराश खत्म हो जाएगी। नंबर 5, खरबूजा खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लें तो बदहजमी नहीं होगी। नंबर 6, बिच्छू के काटने वाली जगह पर इमली का घोल डालने से बिच्छू का जहर असर नहीं करता है। नंबर 7, जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही लाजवाब है। मिश्री 1 कप पानी में उबालकर बच्चों को पिला दें, बच्चे खाना पीना शुरू कर देंगे। नंबर 8, स्किन की किसी भी बीमारी से बचने के लिए नहाते समय आखिर में ठंडा पानी शरीर पर जरूर डालें। नंबर 9, चेहरे को चमकता हुआ रखने के लिए रात में सोने से पहले जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। नंबर 10, खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और खाना जल्दी हजम हो जाता है। नंबर 11, अगर औरतें निहार वो खीर खा लेती हैं तो वह सारी जिंदगी दुबली पतली रहेंगी। नंबर 12, पेट में गैस हो या कब्ज की समस्या हो तो रोजाना निहार मुँह नींबू का पानी पिया करें, इससे पेट का भारीपन दूर होगा और गैस आसानी से बाहर निकल जाएगी। नंबर 13, चेहरे पर भरपूर चमक चाहते हो तो रोजाना सुबह के वक्त चेहरे पर दही का लेप लगाएं, चेहरा चमक जाएगा। नंबर 14, जिन बच्चों के शरीर पर हल्के हल्के दाने निकलते हों तो शहद में सिरका मिलाकर उनके शरीर की मालिश करें, दाने खत्म हो जाएंगे। नंबर 15, जिनके बाल सफेद हो वो बालों की जड़ों में अनार का रस लगाएं, बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। नंबर 16, 1 गिलास दूध में 5 खजूर, 1 चम्मच देसी घी और चीनी डालकर उसको गर्म करके पी लें, आपकी खून की कमी और कमजोरी दूर हो जाएगी। नंबर 17, कमर का दर्द हो तो लहसुन और नारियल का तेल मिलाकर लगाएं। नंबर 18, जो रोजाना दही का 1 प्याला निहार मुंह खाता है उसकी स्किन जवान रहती है। नंबर 19, अगर आपको पेट की दिक्कत रहती हो तो सफेद आटे की बजाय चक्की के आटा खाने में प्रयोग करें। नंबर 20, मीठी और गर्म चीज खाने के बाद पानी पीना दांतों को खराब कर देता है। नंबर 21, अगर पेट ज्यादा बढ़ जाए या लटक जाए तो लहसुन का तेल अंगूठे पर लगाकर नाक में डालें, 1 हफ्ते में चर्बी पिघल जाएगी। नंबर 22, अगर आपका पेट बढ़ रहा हो तो कच्चा फालसा रोजाना खाएं, इससे चर्बी कुछ ही दिनों में पिघलना शुरू हो जाएगी। नंबर 23, दिल के मरीजों को घी के बजाय कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए और घी से परहेज करना चाहिए। नंबर 24, सर्दी की खांसी में चॉकलेट खांसी के सिरप से 5 गुना ज़्यादा बेहतर असर दिखाती है, लिहाजा सर्दी वाली खांसी में चॉकलेट खाया करें। नंबर 25, खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। नंबर 26, अगर आप हमेशा जुए से परेशान रहते हो और चाहते हो कि सर में खुश्की ना हो तो चमेली के तेल का इस्तेमाल करो। नंबर 27, अगर कभी आपके शरीर में कमजोरी महसूस हो तो दूध में भुने हुए चने डालकर खाओ, आपको कमजोरी नहीं होगी। नंबर 28, अमर बेल के काढ़े को बालों में लगाने से रूसी, बालों का झड़ना और बालों का सफेद होना और गंजापन जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। नंबर 29, बर्फ से मसाज अस्तनों को सुडौल बनाने के लिए बेहद कारगर तरीका है। बर्फ आपके अस्तनों को उभार देता है और उन्हें ढीला होने से बचाता है। इसके लिए 2 बर्फ के टुकड़े लें और इन्हें अस्तनों के आसपास गोल गोल घुमाएं। बर्फ के टुकड़े डायरेक्ट न लगाकर किसी कॉटन के कपड़े में लेकर ये प्रक्रिया आजमाएं। इस क्रिया को 1 मिनट से ज्यादा देर ना करें। नंबर 30,
जिन महिलाओं को 12 वर्ष की उम्र से पहले मासिक धर्म शुरू हो जाता है या 55 साल के बाद रुक जाता है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा अधिक होता है। नंबर 31, ज्यादातर महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी होती है। महिलाओं को अपने खाने में पौष्टिक चीजों को जोड़ना चाहिए। अनार को डाइट में शामिल करने से कई फायदे हो सकते हैं, क्योंकि अनार में आयरन की अधिक मात्रा पाई जाती है। नंबर 32, दालचीनी और जायफल को बराबर मात्रा में पीसकर सुबह शाम शहद के साथ चाटना भी सर्दी जुकाम में फायदेमंद होता है। नंबर 33, पेट की अल्सर की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इलायची का सेवन करें। इसके रोजाना सेवन से पाचन संबंधित समस्याओं से निजात मिलती है। नंबर 34, दादी नानी का मानना है कि बच्चों को काली मिर्च और बादाम को साथ में पीसकर खिलाने से बच्चे का तोतलापन कम हो जाता है। नंबर 35, बच्चे को हल्के झूठ बोलने पर ही ईमानदारी और सच्चाई की बातें बताएं। कहानियों के जरिए और उदाहरण देकर समझाएं कि सच बोलना कितना जरूरी होता है। नंबर 36, पौरुष शक्ति बढ़ाने के लिए खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के खट्टे फलों में विटामिन सी की उच्च मात्रा पाई जाती है। नंबर 37, अगर दूषित हवा के संपर्क में आने से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो इससे बचाव के लिए आप भाप ले सकते हैं। भाप लेने से फेफड़ों में जमा कफ बाहर निकलता है और फेफड़ों में होने वाली जकड़न या कंजेशन से राहत मिलती है। नंबर 38, चुकंदर के रस को होठों पर 15 मिनट के लिए लगा के रखें। ऐसा करने से होठों का रंग गुलाबी होगा और फटे होठों की परेशानी से भी निजात मिलेगी। नंबर 39, पोषक तत्वों से भरपूर खान पान आपको और शिशु को चुस्त एवं दुरुस्त रखता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ते हैं। अपने डाइट में पोषक तत्वों को शामिल और नुकसानदायक चीजों को दूर करने की कोशिश करें। नंबर 40, माइंड गेम्स खेलने से भी बच्चों की मेंटल ग्रोथ तेजी से होती है। ऐसे में आप बच्चों को पजल, शतरंज और सुडोको जैसे माइंड गेम्स खेलना सिखा सकते हैं। इससे बच्चों का आईक्यू लेवल अपने आप बढ़ने लगेगा। नंबर 41, बच्चों के मिट्टी खाने की आदत छुड़वाने के लिए आप केले को मैश करके इसमें शहद मिक्स करके बच्चों को खिलाएं। इससे बच्चे मिट्टी खाना बंद कर देंगे। नंबर 42, बच्चों के दांत निकलते समय दर्द कम करने के लिए अंगूर का रस पिलाएं। इससे दर्द कम होता है और दांत स्वस्थ और मजबूत निकलते हैं। नंबर 43, अगर बच्चा अपने होठ और जीभ को दांतों से काटे और मुट्ठियों को भींचे तो समझ जाना चाहिए कि बच्चे के हृदय के दिल में दर्द है। नंबर 44, 50 ग्राम नीम के पत्तों को पीसकर इसकी एक टिकिया सी बना लें। इसे पुलटिस के समान बाल तोड़ में लगाने से वह शीघ्र ही अच्छा हो जाता है। नंबर 45, मोशन सिकनेस वाले लोग सफर के दौरान काली मिर्च और लौंग चूसते रहें। इससे जी मिचलाने और उल्टी आने जैसी स्थिति में आराम मिलता है। नंबर 46, अगर किसी को हैजा हो तो नींबू और प्याज का रस मिलाकर पिए, फायदा होगा। नंबर 47, किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो उसको बिठाकर पानी पिलाएं और कुछ नमकीन खाने को दें। नंबर 48, सुबह निहार मुंह शहद का एक चम्मच खा लिया करें, इससे कोई भी बीमारी नहीं हो सकेगी। नंबर 49, जो लोग 8 घंटे से कम सोते हैं वो ज्यादातर बेचैनी और डिप्रेशन में रहते हैं। नंबर 50, पेट भर खाना खाने की आदत हाजमे को हमेशा दुरुस्त रखती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।